टीवी की टॉप एक्ट्रेस, बेहद फेम एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट, जो माया का किरदार से जिसने अपनी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा बढ़ा ली कि अब वो टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाती है। वहीं आपको बता दें, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर उनके 10.3 मिलियन फॉलोवर हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा बढ़ी है, काफ़ी मैसिव फ़ैन फॉलोइंग है। वहीं आए दिन वो नए नए सोशल मीडिया पर पोस्ट डालती रहती है, हमेशा वो सुर्खियों में, चर्चाओं में, अपने फ़ोटोशूट्स को लेकर, अपने शूट्स को लेकर बनी रहती है। तो वहीं आज बात करते हैं जेनिफर विंगेट की, जो मैरिज, जो वेडिंग जो उनकी हुई थी करण सिंह ग्रोवर के साथ, 2012 में दोनों ने शादी करी थी और 2014 में दोनों का डिवोर्स हो गया था। तो आपको बता दें, जब जेनिफर से उनकी शादी के बारे में पूछा गया, जब उनसे पूछा गया उनके एक्स हस्बैंड एक्टर करण सिंह ग्रोवर के बारे में कि उनको क्या शिकायत है, उनसे किस तरह की शिकायत है, तो उनका जवाब आता है जिसमें वो बोलती हैं, देयर इज़ नो ग्रज एट ऑल, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग एंड नो वन इज परफेक्ट, हाउ विल आई लर्न इफ आई डोंट मेक मिस्टेक्स, आई विल टेल माई फ्यूचर चिल्ड्रन ऑल्सो टू मेक एज मैनी मिस्टेक एज दे कैन, बिकॉज दैट्स हाउ दे विल लर्न, देयर इज नो आइडियल मैन वूमेन और रिलेशनशिप, लाइफ इज फुल ऑफ अप एंड डाउन, I have absolutely no bad memory of the marriage even though it has ended. In fact, I am thankful to Karan for an experience that taught me so much about myself. It has made me realize my strength, who my true friends are and how awesome my life is. Family is, I would have been a different person if this marriage and divorce hadn't happened. I also got so much love from his parents. I regret nothing and feel blessed instead. I have come out as a better, stronger, more loving and kick-ass person because of whatever happened earlier. I was impulsive and would get carried away. Now I pause and think before doing something. तो इस तरह से जो है जेनिफर कहती हैं कि अगर मेरे को कोई शिकायत नहीं है और अगर मैं इंसान हूँ, हम इंसान है, इंसान गलती करता है, अगर हम इंसान गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, मैं कैसे सीखूंगी, वही मैं आगे फ्यूचर में अपने बच्चों को भी मैं यही बोलूंगी, गलतियाँ करो, अगर आप गलतियाँ नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। वही वो कहती हैं कि करण सिंह ग्रोवर का शुक्रगुजार है कि उनको जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिला है उनसे, और करण सिंह ग्रोवर की उनकी फैमिली से, उनके मम्मी पापा से उनको काफ़ी बेहद जो है उनको प्यार मिला है। तो इस तरह से जो है जेनिफर विंगेट आगे मतलब बताती हैं कि अब मैं जो भी काम करती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ, मैं बहुत सोच समझ कर करती हूँ, पहले मैं सोचती हूँ उसके बाद मैं उस काम को आगे करती हूँ, काफ़ी ध्यान देकर उस काम को करती हूँ। तो जेनिफर ने बताया कि उनको अपनी एक्स जो उनकी शादी जो हुई थी उनसे उनको कोई शिकायत नहीं है, सब हर कोई आदमी, हर कोई बंदा जो है परफेक्ट नहीं होता है, गलतियां सबसे होती हैं और सब अगर गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो इस तरह से जेनिफर ने अपनी शादी की बात को बताया कि उन्होंने अपने हस्बैंड, एक्स हस्बैंड के बारे में बताया। अब वो जो है कहती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, आगे अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वो इन्जॉय कर रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त जो है जेनिफर विंगेट हमेशा ट्रेंडिंग में बनी रहती है अपने शूट्स को लेकर, और जो है बेहद के बाद माया जो है रोल के लिए जिससे इन्होंने अपनी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ा चुकी है, और आजकल वो जो है इंस्टाग्राम पर नई नई अपडेट्स डालती रहती है अपने फैंस के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।